स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान आंदोलनकारी लगातार बैठे हुए हैं, अब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन उसको लेकर सख्त एक्शन लेता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उन तमाम किसान जो कि वहां आंदोलन कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी और उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि आखिर वो कौन किसान है और कहां से आए हैं। इसकी पूरी लिस्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस अब तैयार करने जा रही है। यानी गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार किसान भारी संख्या में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं, राकेश टिकैत के आह्वान पर लगातार वहां किसान एक के बाद एक पहुंच रहे हैं, तो उस सिलसिले में लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है, खासतौर पर गाजियाबाद पुलिस है, वो लगातार अब उन तमाम किसान आंदोलनकारियों की पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार करेगी। जाहिर है गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी निर्देश दिए गए थे, जाहिर है 26 जनवरी की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्देश गाजियाबाद पुलिस प्रशासन को दिए गए थे कि इन बॉर्डर्स को खाली कराया जाए। यही वजह थी कि वहां पानी से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं दी जा रही थी, सुविधाएं दी जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया था ताकि किसान अपना ये आंदोलन खत्म कर अपने घर वापस लौट जाए। लेकिन राकेश टिकैत जिन पर FIR दर्ज भी हो चुकी है, जिन्हें पूछताछ के लिए भी दिल्ली पुलिस की क्राइम जो ब्रांच है उसने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो पूछताछ में दिल्ली पुलिस के साथ कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद भी जो राकेश टिकैत हैं वो खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीते दिनों नवंबर महीने से लेकर अब तक भड़काऊ भाषण दिए हैं, उनके जो बयान सामने आए हैं वो ये बताते हैं, दरअसल वो किसानों को संबोधित नहीं कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं अपनी योजनाएं जो वो बना रहे हैं वो दिल्ली में हिंसा जो भड़की है उसके जिम्मेदार वही हैं, जिस तरीके से उनके तमाम भड़काऊ बयान सामने आए हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए थे कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है उसे खाली करा दिया जाए, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत ने एक नया ड्रामा किया जहां वो रोते बिलखते नजर आए और उसके बाद भारी संख्या में किसान लगातार जो आंदोलनकारी है वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं और अब उसके बाद लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो सुरक्षा में मुस्तैद है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बात अगर गाजीपुर बॉर्डर की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल क्या स्थिति है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तमाम गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां की बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम रास्ते गाजीपुर बॉर्डर के बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी जाने की अनुमति गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है, ना ही मीडिया कर्मी वहां पहुंच पा रहे हैं, ना ही आम जनता वहां पहुंच पा रही है, तो पूरी तरीके से उस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं सील एक तरीके से कर दिया गया है। तमाम बॉर्डर्स जो है वो सील किए गए हैं, साथ ही रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती वहां की गई है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है ये बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है। एक भी इंटरव्यू से लेकर या कुछ भी वहां क्या चल रहा है फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को जाने से रोक दिया गया है और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय लगातार दिल्ली हिंसा को लेकर एक्शन में है, तमाम जो ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई है, आज 240 ट्विटर अकाउंट है जिन पर रोक गृह मंत्रालय के आदेश के बाद लगा दी गई है। वहीं जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, गाजीपुर बॉर्डर खासतौर पर वहां जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है, तो लगातार ये जो स्थिति बन रही है इसके बाद आशंका यही जाहिर की जा रही है कि क्या राकेश टिकैत की आने वाले वक्त में गिरफ्तारी होगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंदेशा यही लगाया जा रहा है जिस तरीके से गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है, दिल्ली पुलिस प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस तक लगातार मुस्तैद है और उनकी कार्रवाई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर 2 फरवरी रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, तो
कोई भी अपडेट वहां से नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबरें हैं लगातार ये बनी हुई हैं कि पुलिस प्रशासन जितनी बड़ी तादाद में वहां मुस्तैद है और किसी को भी जाने की इजाजत वहां नहीं दी जा रही है, तो क्या एक्शन आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि FIR जो दर्ज की गई है राकेश टिकैत पर वो उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस दोनों ने की है, तो आने वाले वक्त पर क्या एक्शन राकेश टिकैत पर लिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरीके से तमाम वहां आंदोलनकारियों को संबोधित किया था दिल्ली हिंसा के बाद, उसके बाद भारी संख्या में वहां लोग पहुंच रहे थे और यही वजह है कि अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इंतजाम उसके पूरी तरीके से कर लिए गए हैं, पुलिस लगातार मुस्तैद है और फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है, जहां तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो राकेश टिकैत का साथ देते नजर आ रहे हैं। चूंकि किसान आंदोलन की आड़ में वो शुरू से ही किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते ही नजर आए हैं और यही वजह है कि राकेश टिकैत के साथ ये तमाम विपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, चाहे फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, जयंत चौधरी हो, लगातार उनके बीच पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल वो इन नए कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है वो उन किसानों के समर्थन में है और वो चाहते हैं कि इन नए कृषि कानूनों को सरकार खत्म करे, इन्हें वापस ले। तो लगातार जो राजनीति है वो भी खूब देखी जा रही है, यही वजह है कि जो अभी तक किसान संगठन के कुछ नेता राकेश टिकैत और तमाम दूसरे किसान संगठन के नेताओं के साथ थे, वो अब कुछ नेता इस किसान आंदोलन से अलग हो चुके हैं। उसमें बूटा सिंह है जो लगातार अब राकेश टिकैत पर आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जो उनकी तरफ से रणनीति बनाई गई थी, जिस तरीके से उन्हें ये आंदोलन आगे बढ़ाना था, उससे राकेश टिकैत अब पूरी तरीके से भटक चुके हैं। ये जो आंदोलन है ये किसानों का न रहकर राजनीतिक आंदोलन बन चुका है और राकेश टिकैत उन तमाम विपक्षी नेताओं को अपने मंच पर जगह दे रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका दे रहे हैं, तो वो खुद अब राजनीतिक खेमे में घुस चुके हैं और राजनीति सिर्फ और सिर्फ अब इस किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। और इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अहम जानकारियां लगातार दिल्ली हिंसा के बाद जो जांच चल रही है उसको लेकर दी जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर जिस तरीके से ये पूरा जो तांडव मचा है, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, तमाम वीडियो क्लिप्स दिल्ली पुलिस की तरफ से खंगाले गए हैं, हजारों से ज्यादा की तादाद में लगातार वीडियो क्लिप्स जो है वो दिल्ली पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। और अभी जो अहम जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें बताया गया है कि 44 FIR अभी तक दर्ज कर ली गई है, 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनका जो कनेक्शन है वो दरअसल ये किसान आंदोलन से है, ये अहम जानकारी दी गई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनकी वेबसाइट पर ये तमाम जानकारियां मौजूद हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा के बाद जो जांच की जा रही है उसमें कितनी FIR दर्ज की है, कितनी वीडियो क्लिप्स अभी तक उनके हाथों लगी है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये तमाम जानकारियां दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो ऐसे में कोई भी फर्जी खबर या फिर कोई भी अफवाह उसके बारे में ना फैलाई जाए, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्रालय एक्शन में है, दिल्ली पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे दिल्ली हिंसा के बाद एक्शन में है और खासतौर पर नजर गाजीपुर बॉर्डर पर रखी जा रही है, क्योंकि अब सिंघू बॉर्डर पर वो किसान नेता नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके के हालात अब गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं, वहां राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनके भाई नरेश टिकैत दोनों मिलकर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दलों को इन्होंने एकजुट कर लिया है और लगातार पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि वो भारी से भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए। और यही वजह है कि अब गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन लगातार सख्त एक्शन लेता नजर आ रहा है। तमाम जो वहां किसान मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जो आंदोलनकारी मौजूद हैं, अब उनकी डिटेल मांगी जा रही है, अब उनकी जांच की जाएगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी, आखिर किसान कहां से आए हैं, कौन से किसान हैं, क्योंकि दिल्ली हिंसा में जिस तरीके से तमाम अब लोगों का नाम सामने आ रहा है,
तमाम उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में अब ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर इनमें से कौन किसान हैं और कौन देश विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है, तो ये पहचान करना बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि अब इन बॉर्डर्स पर जो किसान हैं उनकी पहचान की जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में अगर इनकी तरफ से कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की जाए तो ताकि आने वाले वक्त में इनकी आसानी से पहचान की जा सके। फिलहाल एक्शन पूरी तरीके से लिया जा रहा है। दिल्ली हिंसा में ट्रैक्टर रैली में जो ट्रैक्टर मौजूद थे उनकी नंबर प्लेट्स को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। उनके जो मालिक हैं उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। वहीं उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसान नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, बूटा सिंह हो, वीएन सिंह हो, तमाम ये किसान संगठन के नेता हैं जो शुरू से ही मंच पर वहां आंदोलनकारियों को संबोधित करते आए हैं। इनकी तरफ से भड़काऊ भाषण दिए गए हैं और ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो देश की राजधानी दिल्ली में इन्होंने तांडव मचाया है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इनके तमाम वीडियो क्लिप्स देख लीजिए या फिर इनके तमाम बयान, उनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये लोग शुरू से ही, इनका ये मकसद था, साजिश रची गई थी जिसमें ये कामयाब हुए हैं। फिर अब खुद को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और यही वजह है कि राकेश टिकैत पर अब आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं पूरी तरीके से सील है, मीडिया कर्मियों को जाने की अनुमति नहीं है। अभी तक राकेश टिकैत का कोई भी एक अकेला इंटरव्यू भी सामने नहीं आया है। वो तमाम पत्रकार जो राकेश टिकैत के इर्द गिर्द घूमते नजर आते थे और रोज उनकी लगातार इंटरव्यू लेते नजर आते थे, आज उनका एक भी इंटरव्यू सामने नहीं आया है। तो सवाल उठते हैं कि आखिर अब फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय बिल्कुल एक्शन में है। यही वजह है कि ट्विटर अकाउंट से लेकर अब गाजीपुर बॉर्डर तक जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं उसको लेकर अब आगे क्या एक्शन होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।